फटाक खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हमारे सपने में तो आएंगे, मेरे सपने में नहीं आएंगे तो किसके सपने में आएंगे? अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। अभी आपने ये सुना होगा कि भाई अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन अब तो सपने में प्रभु राम भी आने लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने में नहीं, बल्कि सीएम योगी के सपने में। और ये बात हमारे सहयोगी चैनल के पंचायत कार्यक्रम में खुद योगी आदित्यनाथ ने कही, और साथ ही ये भी बता दिया कि भाई अखिलेश के सपने में क्यों आते हैं भगवान श्री कृष्ण। राम जी भी स्वप्न में आकर कुछ कहते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, हमारे स्वप्न में तो आएंगे। मेरे स्वप्न में नहीं आएंगे तो किसके सपने में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के? अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि भाई कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक एक बार नहीं चर-चर बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू किया था। प्रदेश में पहले दंगे की शुरुआत कहां से होती है? इनकी सरकार बनने के ठीक एक महीने के बाद पहला दंगा होता है, यानी एक महीने के अंदर ही शुरू होता है कोसी कला से। और जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय भी इनकी दंगा, अंतिम जो दंगा हुआ था इनका मथुरा में ही हुआ था, जवाहर बाग की घटना। तो भगवान कृष्ण तो उनको कोसने के लिए जाएंगे कि भाई अब कुछ तो लोक लाज रखो। वही सीएम योगी ने यह भी बता दिया कि वो चुनाव तो इस बार लड़ेंगे ही, लेकिन कहां से, इस पर दे दिया गोलमोल जवाब। लेकिन सीएम फेस को लेकर भी कह दी एक बड़ी बात, सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, हर हाल में अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, मंत्री कौन बनता है, महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो योगी कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सीएम कौन बनता है, महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। ये तो हर कोई जानता ही है कि सीएम फेस है कौन। गजब का कॉन्फिडेंस है ना भाई। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कोई खेल खराब कर जाए। देखते रहिए यूपी तक तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, और पढ़ते रहिए upitak.in।